नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की। राष्ट्र के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गर्ल्स के छात्राओं ने गौना करौर में क्यूज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर जिलावर में मनवाया अपना लोहा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से मिलती है निजात। शनिदेव मंदिर लंबलू में खिलाई जाएगी खीर। बासपुर हमीरपुर में बच्चों को लोक संस्कृति की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 17 स्कूलों के बच्चों ने कार्यक्रम में लिया भाग। त्योहारी सीजन के नजदीक हमीरपुर बाजार में बढ़ गया अतिक्रमण। दुकानदारों ने सड़कों पर सजाया सामान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार की आचार संहिता से ठीक पहले की जा रही घोषणाओं और कैबिनेट की बैठकों पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुटकी ली है। धूमल ने कहा कि सरकार के पास ना तो पैसा है और ना ही समय, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में घोषणाएं करने में जुटी है ताकि लोगों को रिझाया जा सके। साथ ही धूमल ने प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे को भी चुनौती दी है कि वह साबित करके दिखाएं कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमपी, सांसद और मैंने रोड़े अटकाए हैं। वास्तव में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के चलते ही मेडिकल कॉलेज का काम अटका है। प्रदेश सरकार की आचार संहिता से ठीक पहले की जा रही घोषणाओं और कैबिनेट के बैठकों पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुटकी ली है। धूमल ने कहा कि सरकार के पास ना तो पैसा है और ना ही समय, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में घोषणाएं करने में जुटी हुई है ताकि लोगों को रिझाया जा सके। साथ ही धूमल ने प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार सिंधी को भी चुनौती दी है कि वह साबित करके दिखाएं कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमपी, सांसद और मैंने रोड़े अटकाए हैं। वास्तव में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के चलते ही मेडिकल कॉलेज का काम अटका है। कोई व्यक्ति अगर उसने सारी जिंदगी अच्छा काम नहीं किया हो तो अक्सर लोग कहते हैं अंतिम समय में कुछ दान पुण्य कर लो। कांग्रेस की सरकार की स्थिति भी यही है। उनको भी पता है हम कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, उससे पहले सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और हिमाचल की जनता भी जानती है कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कैबिनेट के निर्णय केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक प्रयास है और उस प्रयास में कांग्रेस की सरकार ही बेवकूफ़ बन रही है। वो कहते हैं कि हम आने में भी असमर्थ हैं, पैसा देने में भी असमर्थ हैं, केवल पत्थर लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए पत्थर लगा रहे हैं, ना पैसा उनके पास है, ना आ सकते हैं। जल्दबाजी में उनको लगता है पता नहीं कब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, इस करके इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। पूर्व सीएम धूमल ने कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार सिंधे के बयान पर पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि सिंधे साबित करें कि बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज के लिए काम रुकवाया है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण सीएम वीरभद्र सिंह स्वयं ही नहीं चाहते हैं कि यहां पर कॉलेज बन सके। उल्टा कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं श्री सिंधे को कि वो साबित करें कि हमारे विधायक ने या सांसद ने कहीं अड़चन लगाई हो। वास्तव में कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर से है और मुख्यमंत्री यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देना नहीं चाहते। अन्यथा जैसे छोटे छोटे जगहों पे कॉलेज शुरू किए गए, हमीरपुर में तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन इतना बड़ा था जहाँ पूरा मेडिकल कॉलेज चल सकता था। फिर हथली के पास जो एजुकेशन बोर्ड का कार्यालय था जिसमें सीएमओ ऑफिस बना, वहाँ भी मैंने विधानसभा में खड़े होकर अपनी स्टेटमेंट देकर लिख के स्वास्थ्य मंत्री को कहकर कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करूँ। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पोस्टें भी एडवर्टाइज कर दी, लेकिन हमीरपुर के खिलाफ ये सरकार की सोच रही है। अनेकों कार्यालय यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। कल ही सीएमयू का एक कार्यालय पीडब्ल्यूडी का यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया, पहले हिमुडा का कार्यालय शिफ्ट किया, फॉरेस्ट का कार्यालय शिफ्ट किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ हिमाचल के साथ भेदभाव हुआ है। तो ये अगर कॉलेज नहीं बना तो कांग्रेस के भेदभाव के कारण नहीं बना है, उनकी आपसी लड़ाई के कारण नहीं बना है। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सत्ता में आते ही सबसे पहले ये काम किया जाएगा।
कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो। एम्स पर मुख्यमंत्री विभेंद्र सिंह द्वारा केंद्र सरकार को घेरने के मुद्दे पर धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एम्स के लिए भूमि तो ऑफर कर दी थी लेकिन बाद में औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी, लेकिन अब एम्स का शिलान्यास हो रहा है तो कांग्रेस को चुभन हो रही है। मुख्यमंत्री अगर कोई सोया हुआ हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो जागा ही सो जाए उसको क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जानते हैं भूमि तो ऑफर कर दी लेकिन उसमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस कहाँ थी, उसमें अनेकों कंडीशन जो लगी हुई थी वो दूर नहीं हुई। यही कारण है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला भी लटकाया हुआ है। वास्तव में वीरभद्र सिंह चाहते नहीं कि निचले हिमाचल में विशेष करके हमीरपुर में कोई विकास का कार्य हो, और जनता ने सारा देख लिया है। अभी मुझे हमारे एक वरिष्ठ नेता दिखा रहे थे एक फ़ोटो, ख्या के पास एक सड़क का उद्घाटन हुआ है जो लगभग 2.5 करोड़ से बनी है और 2 महीने के अंदर ही सारी की सारी बह गई है। वो पक्की सड़क कैसे बह गई, वहाँ क्या मटेरियल लगा था, ये सारा जांच का विषय है। ऐसे सभी मुद्दों की जांच होगी और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गर्ल्स की छात्राओं ने गौना करौर में क्यूज कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल कर जिला भर में अपना लोहा मनवाया। हमीरपुर के गौना करौर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक गतिविधियों में भी दूसरा स्थान हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गर्ल्स की छात्राओं ने गौना करौर में क्यूज कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल कर जिला भर में अपना लोहा मनवाया है। हमीरपुर के गौना करौर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में छात्राओं ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक गतिविधियों में भी दूसरा स्थान हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता से लौटी उत्साहित छात्राओं ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल ने अपना बेहतर प्रदर्शन करके उसमें प्रथम स्थान तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब गवर्नमेंट गर्ल्स ने स्कैंडी स्कूल में की छात्रा, कल हम गौनक्रॉल में गए थे डाइट पर और वहाँ पे हमने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें हमने पहला स्थान हासिल किया है। हम कल गौनक्रॉल में गए थे 27 सितंबर टूरिज्म डे के ओकेजन पे, वहाँ पे हमने 1 एक्ट प्ले किया, उसमें हमने सेकंड पोजीशन ली है। वहीं गर्ल्स स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बच्चों और स्कूल स्टाफ को बधाई दी और कहा कि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने से छात्राओं का मनोबल बढ़ा है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने के प्रति प्रेरित करता है। टूरिज्म को लेके जैसे वोकेशनल विंग के हमारे 2 सब्जेक्ट हैं हेल्थ एंड टूरिज्म, तो टूरिज्म में एक टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया, तो उसमें 27th को ये डे था और उसमें हमारे बच्चों का डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन रही है क्विज परफॉर्मेंस में और सेकंड आए हैं ये पेंटिंग में और 1 एक्ट प्ले में। तो उसके लिए भी टूरिज्म की हमारी अध्यापिका हैं श्रीमती दीपिका, उनको बहुत बहुत मुबारक है, इनके एफर्ट से है और बाकी साथियों का सहयोग तो रहता ही है और बच्चों को भी और बच्चों के पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट दीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही
DM Neurology and Dr. Sunny Birdi, DM Pulmonary. दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा, अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास प्लीज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452111, 9816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्व पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर लम्बलू में आयुर्वेदिक खीर में मिली दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं और यही कारण है कि जैसे ही सर्व पूर्णिमा आती है तो खीर का सेवन करने के लिए सुबह तड़के से ही मंदिर में भीड़ जमा हो जाती है। खीर खाने के लिए पूरे हिमाचल समेत बाहरी राज्यों से भी लोग आज के दिन मंदिर में आते हैं। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के नजदीक है और इस बार भी शनिदेव मंदिर परिसर में खीर के साथ दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चली हुई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारियों से निजात मिलती है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर लम्बलू में आयुर्वेदिक खीर में मिली दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं और यही कारण है कि जैसे ही शरद पूर्णिमा आती है तो खीर का सेवन करने के लिए सुबह तड़के से ही मंदिर में भीड़ जमा हो जाती है। खीर खाने के लिए पूरे हिमाचल समेत बाहरी राज्यों से भी लोग आज के दिन मंदिर में आते हैं। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा नजदीक है और इस बार फिर शनिदेव मंदिर परिसर में खीर के साथ दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों से चली हुई हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर लम्बलू में हर साल की भांति इस साल भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को बनाई गई खीर में दवाई मिलाकर सेवन करवाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। हर साल ही चमत्कारी खीर खाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और बीमारी से निजात पाते हैं। गौरतलब है कि मंदिर में पिछले 16 सालों से इस तरह शरद पूर्णिमा के बाद दमा, खांसी, एलर्जी के मरीजों को दवाई निशुल्क खिलाई जाती है और इस दवाई का सेवन करने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू होता है। यही कारण है कि हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन मंदिर में सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। माना जाता है कि दमा रोगियों के लिए तो ये खीर रामबाण का काम करती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का अपना महत्व है और खीर को बनाकर पूरी रात चांद की रोशनी में रखा जाता है और वह जो ओस इस खीर पर आकर पड़ती है वो काफी लाभदायक मानी जाती है। बाद में खीर में जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधि दवाइयां मिलाई जाती हैं। मंदिर परिसर में हिमाचल के कोने कोने से मरीजों के अलावा अम्बाला, पंजाब, चंडीगढ़ से भी मरीज पहुंचते हैं।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर रात भर चांद की रोशनी में रखी जाती है और दूसरे दिन सुबह से ही खीर में दवाई मिलाकर मरीजों को खिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से दवाई मरीजों को दी जा रही है और इसे खाने से काफी हद तक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन करवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मंदिर परिसर में खीर का सेवन करने के लिए जरूर पहुंचें। पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम मंदिर में खीर बनाते हैं और उसके अगले दिन उसमें एक दवाई डालकर उस दवा को मरीजों को देते हैं, जिससे रोगियों को जिसमें जो उनको दमा होता है और बार बार एलर्जी होती है, बार बार खांसी होती है, उनके लिए ये दवाई जो बहुत कारगर है और इसको हम लगातार पिछले 20 वर्षों से शनि मंदिर परिसर में ये दवाई दे रहे हैं और हजारों लोग इससे लाभ उठा चुके हैं। इस बार 6 अक्टूबर को ये दवाई हम मंदिर में दे रहे हैं और सुबह 7 से 11 बजे तक का समय रहेगा। कृपया रोगी जो हैं वो खाली पेट आए तो उनके लिए दवा बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम जैसे वर्षाकालीन और जो वर्षा काल का वो समय का अंत होता है और शरद ऋतु का शुरुआत होती है, तो इस दिन पूर्णिमा के दिन जो ओस पड़ती है, जो हम खीर बनाते हैं उसको ओस में रखते हैं और ओस का ही इसमें महत्व है। ओस जो है वो एक अमृत का काम करती है और खासकर श्वास रोग जो होते हैं, जो छाती के रोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई रोगी हो वो ही इसमें खाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर बनाएं, उसको रात को चंद्रमा की रात में रखें और दूसरे दिन इसको सारे खाएं, तो इससे हमारे रोगों की शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और जिसको इम्यूनाइज सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है। 2 अक्टूबर को मंडी के सुंदरनगर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हमीरपुर जिला की कबड्डी की टीम आज रवाना हो गई। टीम को जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान अमित ठाकुर ने रवाना किया। इस अवसर पर कबड्डी कोच पूर्ण कटोच भी मौजूद रहे। हमीरपुर में गत 6 दिनों तक खिलाड़ियों ने गहन अभ्यास कर प्रदेश की प्रतियोगिता के लिए पसीना बहाया। 2 अक्टूबर को मंडी के सुंदरनगर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हमीरपुर जिला की कबड्डी की टीम आज रवाना हो गई। टीम को जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान अमित ठाकुर ने रवाना किया। इस अवसर पर कबड्डी कोच पूर्ण कटोच भी मौजूद रहे। हमीरपुर में गत 6 दिनों तक खिलाड़ियों ने गहन अभ्यास कर प्रदेश की प्रतियोगिता के लिए पसीना बहाया। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सुंदरनगर मंडी में आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर की कबड्डी की 24 छात्र छात्राओं का चयन करके 6 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इसी के चलते जिला हमीरपुर की कबड्डी टीम मंडी के लिए रवाना हो गई है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रधान अमित ठाकुर ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी बांटी। इस अवसर पर कबड्डी कोच पूर्ण कटोच ने बताया कि आज हमीरपुर की कबड्डी की लड़कों व लड़कियों की टीम सुंदरनगर में खेलने के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडी में राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर के खिलाड़ी भी दमखम दिखाएंगे। जिला के कबड्डी एसोसिएशन की जो टीम है अंडर 16 की बॉयज एंड गर्ल्स की आज यहां से रवाना हो रही है मंडी के लिए। मंडी के सुंदरनगर में सीरड़ा में इनका टूर्नामेंट किया जा रहा है 30 से लेकर 29 और पहली तक बच्चे वहां खेलेंगे और यहां से 12 सदस्यों की टीम है और 6 दिन का यहां कैंप लगा हुआ था और इन बच्चों के हमने 24 बच्चे रखे हुए थे, 24 में से हमने 12 सेलेक्ट किए हैं और अच्छे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जिला का नाम भी रोशन करेंगे और बच्चों के अपने भावुकों का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे वहाँ अच्छी तरह खेलें और अपने जिले का नाम रोशन करें। सीनियर का टूर्नामेंट होगा 15 नवंबर से, उसके लिए हम यहीं करवा रहे हैं उसका आयोजन हमीरपुर जिला में और इससे सभी हमारे हमीरपुर वासियों से और ग्राम वासियों से और जिला के बाजार वासियों से सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और यहाँ मैच देखने के लिए आए। यहाँ मैट के ऊपर टूर्नामेंट होगा सीनियर का, यहाँ सारे इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल हो सभी को बुलाएंगे जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और हम इस सभी को इस बड़ी धूमधाम से इस टूर्नामेंट को करेंगे। और सीनियर का पिछले साल भी हमने किया था, उसका भी लोगों ने काफ़ी आनंद लिया था, इस साल हम फिर कोशिश कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को हम बहुत अच्छी तरह से करें।
त्योहारी सीजन के नजदीक हमीरपुर बाजार में अतिक्रमण बढ़ गया है और दुकानदारों ने सड़कों पर सामान सजाया हुआ है। हालांकि नगर परिषद ने अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमण से छुटकारा पाने के लिए इस बार नगर परिषद ने दो टूक शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि सामान को जब्त किया जाएगा और कोर्ट में चालान भी दायर किया जाएगा। त्योहारी सीजन के नजदीक हमीरपुर बाजार में अतिक्रमण बढ़ गया है और दुकानदारों ने सड़कों पर सामान सजाया हुआ है। हालांकि नगर परिषद ने अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमण से छुटकारा पाने के लिए इस बार नगर परिषद ने दो टूक शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि सामान को जब्त किया जाएगा और कोर्ट में चालान भी दायर किया जाएगा। हमीरपुर के गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक कई दर्जन दुकानों का सामान सड़क पर रखा हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है तो सड़क भी सिकुड़ रही है, जिसके चलते ही अब नगर परिषद हमीरपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सामान जब्त करने के साथ कोर्ट में चालान पेश करने की चेतावनी दुकानदारों को दी है, ताकि समस्या का हल हो सके। नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार का कहना है कि जिन दुकानदारों ने सामान सड़क पर रखा हुआ है उनसे निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सामान को जब्त किया जाएगा, फिर भी ना मानने पर दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। ये बात ठीक है कि आजकल शहर में कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यापारी जो हैं, वो दुकान के बाहर अपनी दुकानें जो हैं बाहर लगा रहे हैं। इस बारे में मेरी स्टाफ से भी आज प्रातः ही चर्चा हुई कि एक दो दिन के अंदर बाजार में जाके, जैसे आज या पहले उनको वार्निंग वगैरह दें कि वो अपना सामान जो है दुकानों के अंदर रखें, नाली के अंदर ही रखें, नाली से बाहर नहीं रखें, ताकि नाली को भी साफ रखा जा सके और सफाई की जा सके। अगर ये लोग नहीं उसकी पालना नहीं करेंगे तो फिर निकट भविष्य में इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटाया जाएगा, उठाया जाएगा, कि इनको चेतावनी दी जाए कि हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो इनका जिन्होंने भी दुकान के बाहर लगाया होगा इनको उठाया जाएगा, अगर फिर भी नहीं मानते तो इनका कोर्ट में चालान जो है दायर किया जाएगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कम्प्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर को ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762, 8894233990। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूली बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एनसीईआरटी सोलन के सौजन्य से लोक नृत्य और लोक नाटक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बास स्कूल हमीरपुर में किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर के 17 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने शिरकत की। स्कूली बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एनसीटीआर सोलन के सौजन्य से लोक नृत्य और लोक नाटक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बाल स्कूल हमीरपुर में किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर के 17 स्कूलों के नौनिहाल हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रतियोगिता में बच्चों ने नाटकों व लोक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में हिमाचल की संस्कृति को बखूबी दिखाया गया। कार्यक्रम में विजेता टीमों को नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल शिक्षा विभाग और एनसीटीआर सोलन के सौजन्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो इस तरह के कार्यक्रम करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताया जा सकता है, जिससे वह आगे चलकर संजोए रख सकते हैं। इसमें लगभग 17 स्कूलों की जो टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। फोक डांस, इसको हम लोक नृत्य कहते हैं, जहां सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत ही पुरातन है, बहुत ही पुरानी है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी जो वेशभूषा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर होती है। चाहे वो कुल्लू की नाटियाँ हों, चंबा के गीत हों, या हमारे कांगड़ा की कांगड़ी बोली, या फिर हमारे शिमला की बात हो, वैसे ही हमीरपुर की भी बहुत सी जो बोलियाँ हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हमीरपुर के जो लोकगीत हैं जगह जगह गाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इस संस्कृति को और सभ्यता को अगर हमने जिंदा रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं इसके बारे में जानें, तो इस प्रकार के स्कूल लेवल पर कम्पटिशन और जिला स्तर पर कम्पटिशन को एक अनिवार्य बनाया गया है, ताकि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में जानें, हमारे लोकगीतों के बारे में उनको पता चले और हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा के बारे में पता चले। इसीलिए सभी जिलों के अंदर इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जा रही हैं, चाहे उसमें एससीईआरटी के इसमें हेल्प कर रही है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है इसमें। जो सबसे बड़ी जो बात है, कुछ हमने थीम रखे गए थे, एक थीम था हमारा कि पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर बच्चे जो हैं अपनी लोकल भाषा में कि वृक्ष लगाए हमने, पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को बचाने, इस प्रकार का लोकगीत तैयार करके ये रुझान पैदा कर रहे हैं, आकर्षण पैदा कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जो पेड़ों की महत्ता उसको पता चले और वो पेड़ लगाते रहें और हमारा जो पर्यावरण है स्वच्छ और सुथरा बनता रहे। तो इस प्रकार के मैं समझता हूँ लोकगीत के माध्यम से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में अपनी चीज़ें रखते हैं, एक तो हमारी ये सभ्यता जो पुरानी सभ्यता है इसके बच्चे भाग बनेंगे और लोगों को जागरूक भी कर सकेंगे। इसी सिलसिले में जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, किशोर अवस्था में जो हमारे बच्चे हैं 13 से 17 वर्ष के बीच में, उनमें एक बड़ी बड़ी फिजिकल चेंज आती है, हार्मोनिक चेंजेस आती है और उस चेंजेस की वजह से बच्चों के अंदर एक प्रकार का अलग भावनाएं पैदा होती हैं, अलग प्रकार की सोच और अलग प्रकार का वो महसूस करते हैं, जिसके कारण वो गलत रास्ते में कई बार भटक जाते हैं। उस चीज़ को शेयर करने के लिए उस समय उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, कई बार देखा कि बच्चे का बिहेवियर ही बदल जाता है, पेरेंट्स इसको नोट करते हैं। जब बच्चे 14 साल के हो जाता है उसके बिहेवियर में बहुत बड़ी चेंज आती है। तो सारे का सारा जो कंसेप्ट है हमारी हारमोन्स पर डिपेंड करता है। उस प्रकार उस समय बच्चों के माता पिता का क्या ये योगदान होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उनके जो खासकर जो टीचर्स हैं उनका क्या योगदान होना चाहिए, कैसे बच्चों को एक सही दिशा देकर एक पॉजिटिव ऊर्जा को उनके अंदर संचार करें, ताकि वो अपने भविष्य की ओर, ताकि वो अपने एम्स की ओर प्राप्त कर सके। ताकि हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है, नई पीढ़ी को उसके भाग बनाना है, साथ साथ एक भविष्य ये भी है कि हमें नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनका आकलन करके। ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्ट्रो दीक्षा। नमस्कार।